नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब बारी है वनडे सीरीज। जी हां, परसों यानी कि अब से 48 घंटे बाद वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ये 3 मैचों की वनडे सीरीज काफी कुछ सिखाएगी। दरअसल अब तक पिछले कुछ महीनों में भारत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भारत ने शानदार तरीके से वनडे सीरीज जीती। शुभमन गिल का रेड हॉट फॉर्म देखा, विराट कोहली की फॉर्म में वापसी देखी और अब पहले वनडे में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को लीड करने जा रहे हैं। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा फिलहाल पहले वनडे से ब्रेक ले चुके हैं। पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने ब्रेक लिया है, लेकिन अब पहले वनडे के लिए हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान। विराट कोहली के फॉर्म में वापसी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बज गई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। विराट ने करीब 56 की औसत से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में रन बनाए हैं, जिसमें विराट कोहली ने 8 शतक जड़े। वहीं हाल फिलहाल के विराट के फॉर्म को देखा जाए तो पिछले 3 महीने में उन्होंने 3 शतक वनडे फॉर्मेट में जड़ दिए हैं। ऐसे में अब जो कि सेंचुरीज अब हर फॉर्मेट में आ गई है पिछले साल एशिया कप के बाद से, तो एक नए विराट कोहली का हम उद्गम होते देख रहे हैं। विराट कोहली के आने से हार्दिक पांड्या को भी मजबूत एक पक्ष मिल सकता है। विराट और हार्दिक के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही पहले वनडे में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या यहां पर टीम को लीड करेंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। विराट कोहली टीम के कप्तान रह चुके हैं और साथ ही विराट की कप्तानी में भारत ने कितने मैचेस जीते हैं ये किसी से छिपा नहीं। ऐसे में हार्दिक पहली बार बतौर कप्तान जब ऑस्ट्रेलिया के सामने वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे तो उनके लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने गेंदबाजों को किस तरीके से रोटेट करते हैं, क्योंकि ये साल वर्ल्ड कप का साल है और इस साल में आप चाहेंगे कि आप पहले बल्लेबाजी करके, जैसे कि रोहित शर्मा ने भी कहा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप पहले बल्लेबाजी करके अपने आप को टेस्ट करिए। और ऐसा समझ में आ रहा है कि लगभग भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है वो सेट हो चुका है। एक जमाने में शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो टॉप 3 हुआ करते थे वो इन फॉर्म थे। ऐसे में शिखर धवन तो अब शायद टीम का हिस्सा ना बन पाए, लेकिन शुभमन गिल के आने से भारत का टॉप 3 एक बार फिर मजबूत हो गया है। साथ ही 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर का, हालांकि अगले 1 महीने तक हो सकता है कि वो क्रिकेट एक्शन से दूर रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए एक अच्छा चांस है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म अच्छा किया हुआ था वनडे फॉर्मेट में। इस वजह से सूर्य कुमार यादव को वनडे फॉर्मेट में उतनी जगह नहीं मिली, या यूं कहें कि उन्हें जो मौके मिले उसे उन्होंने भुनाया नहीं। लेकिन सूर्या भी ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी टीम में जगह पक्की करनी है तो फिर वो यहाँ पर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। श्रेयस अय्यर भी बतौर बल्लेबाज, उनका भी रिकॉर्ड बेहद शानदार है, लेकिन उनकी जो एक कमजोरी है शॉर्ट बॉल, वो शायद थोड़ा सा उनके फेवर से बाहर जाती है। साथ ही वो अपनी इंजरी जिस तरीके से छिपा रहे हैं ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा वनडे सीरीज किस तरीके से विराट और हार्दिक की जोड़ी पहले वनडे में भारत को जीत दिलाती है। आपकी क्या राय है पहले वनडे मैच को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।